अस्सलाम वालेकुम आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। बात करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं, बट उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। जब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया था तो कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होगी। वहीं हम अगर बात करें 370 और 3501 को भी इसीलिए ख़त्म किया गया कि कहीं ना कहीं जो लोगों की प्रोग्रेस रुकी पड़ी है दोबारा से उसमें हलचल आएगी। पर अगर देखा जाए, अगर हम पिछले साल के मुकाबले में 370 की अगर हम बात करें, उससे पहले के अगर हम हालात देखें, तो उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी देर से सफ़र कर रहे हैं। अगर हम बात करें डेली वेजर्स की, तो आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं जिसे हम मालिकम चौकीदार कहेंगे, वो काफ़ी लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं। अगर हम 2003 और 4 की बात करें, तब इनको लाया गया था और इनको वहाँ पे लगाया गया था। और अगर इनकी बात करें, इनको पंचायत की तरफ से 500 रुपया दिया गया था, और अगर हम बात करें तो इनको ब्लॉक की तरफ से भी 500 दिया गया था। इनकी टोटल सैलरी थी 1000, बट उसको बढ़ा कर इनकी जो पर डे की सैलरी है उसको 150 किया गया, यानी ₹4500 इनको मंथली सैलरी दी जाएगी, बट वो नहीं दी गई। अगर बात करें हम पंचायत इलेक्शंस की, तो वो भी हुए हमारे जम्मू कश्मीर में। बात करें हम BDC की, वो भी हुए। BDC के चुनाव हुए, DDC के चुनाव हुए, सब सैलरी ले रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो मालिकम चौकीदार हैं इनको सफ़र करना पड़ रहा है, उनको काफ़ी लंबे समय से सैलरी नहीं दी गई है। चलिए हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रेसिडेंट मंजूर हुसैन जी, और यहाँ पर हैं हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट देवदत्त जी। हम इनसे बातचीत कर, सर क्या कहना चाहेंगे अगर 17 साल की बात की जाए, 17 साल से आप जो हैं लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं। हम आज जो आपके अखबार पे आए हैं, आज बिल्कुल हम एहसास करते हैं कि आप हमारी न्यूज़ को ज़रूर जम्मू कश्मीर में, पूरी जम्मू कश्मीर में फैलाएंगे। हम सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ को आज हाई लेवल पे ऊपर पहुँचाने की कोशिश की। तो जब से 2003 और 2004 की बात करें, तो जब हम उसी में हमारी सरकार थी, तो हमें 1000 रुपये लगाया था। 1000 रुपये आपको महीने का दिया जाएगा, जिसमें 500 पंचायत देगी और 500 डिपार्टमेंट देगा रूरल डेवलपमेंट। ना तो हमें 500 डिपार्टमेंट ने दिया, ना तो हमें ब्लॉक ने दिया। उसके बाद 2014 में एक गवर्नमेंट एक सर्कुलेशन ऑर्डर निकालती है, जिसमें आपको सैलरी पर डे एक दिन का 150 रुपया देगा, महीने का आपको 4500 रुपये देगा। ना हमें तो 4500 मिला है, ना हमें 1000 मिला। उससे लेकर हम 18-20 साल से हम बेताबी से गवर्नमेंट से इतने तंग आ चुके हैं कि आज हमारे बच्चों के लिए सैलरी नहीं मिल रही। हम दिन पे मजदूरी शदूरी कर उनका गुजारा कर रहे हैं। अगर DDC की बात करूँ, उन्हें भी तनख्वाह मिल रही है। BDC की बात करें, उन्हें भी तनख्वाह मिल रही है। सरपंच और पंच भी आज तनख्वाह ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो पहचान घर के लिए मालिकम चौकीदार जो सुबह से शाम तक काम करता है, आज उसके लिए सरकार एक ऑर्डर के बिना आज तक कुछ नहीं कर रही। हम सरकार जम्मू कश्मीर में 73 और 74 का जो कानून गवर्नमेंट एक बोलते हैं 370 को हमने लाया गया, ये तोड़ा गया, ये किया, हम ये करेंगे वो करेंगे, 2 साल से आज भी वैसे बदतर हालात है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर अगर सैलरी बढ़ाई गई थी तो दी क्यों नहीं गई। ये ऑर्डर आप मेरे हाथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि इनकी सैलरी को यहाँ पर बढ़ाया गया है। आप साफ तौर पर ये हाथ में ऑर्डर देख सकते हैं कि जहाँ पे इनकी सैलरी को बढ़ाया गया है, पर इनकी इनको सैलरी दी नहीं गई। यहाँ पे सवाल ये है कि इनको सैलरी दी क्यों नहीं गई। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरे हाथ में और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ पर साफ तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऑर्डर है जहाँ पर इनकी सैलरी को साफ तौर पर आपको दिखाई देगा कि 44,500 रुपया इनकी पर मंथ की सैलरी और 150 रुपया इनकी दिहाड़ी है। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर ऑल टोटल करके ये दिखाई गई हैं कि इनकी इतनी सैलरी है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सर यहाँ पर सवाल ये है कि अगर आपकी सैलरी बढ़ाई गई थी तो आपको दी क्यों नहीं गई। जिस तरह से आपने यहाँ पर दावा किया है कि आपको 1000 भी नहीं मिला, उसके बाद में 4500 भी नहीं आपको मिला। बिल्कुल, जैसे मकसूद है कागजों में रहा, फाइल आज सेक्रेटरी में पड़ी है, आज CD से दफ्तर में पड़ी है, कहीं डॉक्टर के पास पड़ी है। बेचारे जो भी हमसे ये हालात आज हो चुके हैं, लेकिन इनकी बेचारे कई ऐसे लोग हैं जिनकी आज उम्र एज भी हो चुकी है। सर ऑल टोटल आपके साथ कितने मुलाजिम हैं जम्मू कश्मीर में? जितने भी आल्स पंचायत हैं जम्मू कश्मीर, जितने हर पंचायत में एक पंचायत मालिकम चौकीदार होता है। कई जो नई पंचायतें हैं अभी उनमें आज लगाए नहीं गए, जो पिछले 15 साल से 18 साल से लगाए उनको नहीं दिया, तो नया कौन लगेगा? इस पर काम कौन करेगा? मजदूरी मुक्त की कौन मजदूरी करेगा? हम यही सरकार से पर जोर अपील करते हैं। मैं आज डीप कम कमीशन साहब से बात की, उन्हें बोला कि आपका जल्दी तो जल्दी हम करने वाले आपकी फाइल को आपके भेजा है, आपसे हम कमिटमेंट नहीं करते और जल्दी तो जल्दी आपका हम रिलीज करने वाले हैं। ये नहीं पता कब करेंगे, मरने के बाद करेंगे। कितनी बार आप गए डीप कॉम के पास? डीप कॉम के पास हम 2 बार गए, एक पहले जब कोरोना था उससे 7-8 महीने पहले गए, तो एक हमने लेटर उनको दिया था, उन्हें बोला हम सेक्रेटरी भेज दिया। आज भी मैंने उनसे गुजारिश की, सर हाथ जोड़कर, ये हमारा अगर काम हो सकता है ठीक है, नहीं हो सकता तो हमें
निकाल दे, कोई बात नहीं, जो हमारा पिछला जो हक राइट बनता है, जो हमारी तनख्वाह बनती है, जो हमें मजदूरी और काम किया वो हमें सैलरी दी, जो जिससे हम बाल बच्चे का गुजारा कर सकें, स्कूलों की फीस दे सकें। आज बिजली के किराए बहुत बढ़ गए, ये हमारे पास एक महीने के लिए किराया देने के लिए पैसा नहीं, बिजली का, पानी का रेंट कहाँ से भरेंगे, बिजली का रेंट कहाँ से भरेंगे, और बच्चों के लिए कहाँ से रोटी रोजी का इंतज़ाम करेंगे। अगर सरकार के पास पैसा नहीं, काम नहीं, BDC अगर तनख्वाह ले रहे हैं, DDC ले रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं, सरपंच पंच ले रहे हैं, मुलाजमत ले रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक सरकार का अंधेरा पड़ा है। सर 17 साल की आप बात कर रहे हैं ना कि 2003 और 2004 की आप मुलाजिम हैं, तो सर किस तरह से आपने ये 17 साल निकाले हैं, किस तरह से आपने संघर्ष किया है? ऐसे दिन रात अपने काम शाम करते हैं, भैंसें रखी है, अपनी मजदूरी शजूरी करते हैं, दिन रात जब काम होता है कहीं ना कहीं किसी की वो फसल फूल काटते हैं, दाने ला लेते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, उसी से हम गुजारा करते हैं। बाकी सरकार पे कहने पर जाओ तो आज तक हमें 1 रुपया भी सैलरी नहीं मिली। देवदत्त जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, 17 साल हो गए आखिर आपको यहाँ पर अपने जो हक है उसके लिए आवाज़ उठाते पर आपको आपका हक नहीं मिला अभी तक। नमस्कार जी, पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो जो आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। मैडम, हमने कम से कम 2003-04 से लगे हैं जितने भी मालिकम चौकीदार आल पंचायत घर में, क्या श्रीनगर हो क्या जम्मू हो, आल जम्मू कश्मीर ड्यूटी में, और लगातार काम कर रहे हैं। जब भी हमें पंचायत घर में बुलाते हैं कि आज सफाई करनी है, आज फलानी मीटिंग है, आज फलानी मीटिंग है, तो हमें मजबूरी कारण जाना पड़ता है। हम अपना काम तोड़ के भी उधर जाते हैं, मगर आज तक हमें एक पैसा भी नहीं, एक गवर्नमेंट एड मिली है। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी सैलरी रिलीज की जाए, और हमें बाकी डिपार्टमेंटों की तरह हमें भी ऑनलाइन किया जाए, ताकि हमारा भी कुछ गवर्नमेंट में हेड बने, जहाँ कुछ जो भी हो, मगर ऐसे फ्री में सर्विस कर रहे हैं, जब भी प्रॉब्लम पड़ जाती है कहाँ जाएँ, हम किसको बताएँ। आज मजबूरन हमें जे उठा कर जे कदम उठाना पड़ा, आज हम डिविजन कम साहब के पास भी गए और आपके चैनल के माध्यम से भी हम जे बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी हमारा जो मसला हल किया जाए। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस दौरान जब तक आपकी मांगे हल नहीं हुई, आप किन किन डिपार्टमेंट के पास गए, आप किस किस से मिले अपनी मांगों के लिए? आज हमने इधर आए हैं, हम कम साहब के पास गए हैं, इधर फाइल सबमिट की है, तो उसके बाद हम जाएंगे ड्यूटी गवर्नर के पास, उसके बाद फिर हम कमीशन सेक्रेटरी के पास भी जाएंगे, डायरेक्टर के पास भी जाएंगे, जहाँ जहाँ हमें लगेगा वहाँ हम जाएंगे। सर आखिर में आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करते हैं? हम यही अपील करते हैं कि हमारा काम करे, कि जो हमारी सैलरी है वो रिलीज करे। हम कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं करते, जहाँ प्रोटेस्ट नहीं करते, कि हमारा काम होना चाहिए, बस हम यही गुजारिश करते हैं। और मोदी साहब से हम यही गुजारिश करते हैं कि मोदी साहब एक अच्छे लीडर हैं, वो बोलते हैं कि चौकीदार देश के चौकीदार हैं, मगर हम भी चौकीदार हैं। आज हमारी बुरी हालत हो गई है, जो रेवेन्यू के चौकीदार लगे हैं उनकी फिर भी 1500 तनख्वाह है, मगर आज हमारी कुछ भी नहीं है। हम तो नाम मात्र के चौकीदार हैं, सिर्फ मुफ्त के चौकीदार हैं, जो सफाई कर रहे हैं पंचायत घरों में, जूठे बर्तन उठा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। तो हम यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल किया जाए। सर मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस हिसाब से अगर देखा जाए हर एक ब्लॉक में एक मुलाजिम है, ब्लॉक में 20 पंचायतें बची हैं, कोई ब्लॉक ऐसा जिसमें 25 पंचायतें बची हैं, 18 पंचायतें, हर पंचायत में एक मालिकाम चौकीदार। मैंने अब्दुल हक से भी बात की थी, अली मोहम्मद सागर से भी बात की, जितने भी हमारे रेवेन्यू वो कैबिनेट के वजीर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट के, सबसे मैंने अर्ज की, सबको मैंने लेटर दी। आज कोई बोलता महीने के बाद होगा, 2 महीने के बाद, ऐसे ही उन्होंने कम से कम हमारे 20 साल बर्बाद कर दी। 20 साल के 20 साल कितने होते हैं? लाइफ ही एक जिंदगी की हमारी वो खत्म हो चुकी है। हम जी सरकार से पर जोर अपील के, मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से भी अर्ज की 2-3 बार, मुफ्ती मोहम्मद सईद जी की, काफ़ी मिनिस्टरों से मैंने मिला, लेकिन वो ये बोलते कि आपका पंचायत सबको, हम पंचायतों को पावरें दे रहे हैं, हथियारा दे रहे हैं, हमें ये नहीं पता लगा पंचायतों को पावरें कहाँ दे रहे हैं। एक मालिक हम जो किधर भूखा मरा, पंचायतों को क्या हथियारा दे रहे हैं। सर ठीक है, मैं जानना चाहूँगी इसके आगे फर्दर आपका क्या स्टेप रहेगा, क्या कदम उठाएंगे आगे? जी हमारा यही स्टेप है, जितना दिन हमें सैलरी नहीं मिलेगी, सरकार का काम है, कहीं हम कोई दिहाड़ी दिहाड़ी लेंगे, जब हमें सैलरी मिलेगी हम दिन रात काम करेंगे, जब तक हमें सैलरी में हम कहीं मजदूरी करेंगे, दिहाड़ी लगाएंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे, पेड़ों को पालेंगे, ऐसे हमारा गुजारा नहीं होगा। चलिए शुक्रिया, ये थे हमारे साथ मालिकम चौकीदार के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। साफ तौर पर आपने देखा जम्मू में आए दिन आपको देखने को मिलता ही है कि
हर एक अपने हक की मांगों के लिए सामने आता है। और आज मालीकम चौकीदार जो हर एक ब्लॉक पंचायत में सेवा करते हैं निष्पक्ष भाव से, कहीं ना कहीं जो 1000 सैलरी थी वो भी नहीं दी गई, और जब उनकी सैलरी को बढ़ाया गया 4500 उनको वो भी नहीं दी गई, 17 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और जिस हिसाब से अपनी मांगों की गुहार लगा रहे हैं, तो आज भी इनका यही मानना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी मांगे जल्दी से जल्द सुने और जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।